नमस्कार दोस्तों, एकदम सिंपली सांस लें, एकदम सिंपली साधारण तरीके से सांस लें और आप देखें कि आप कैसे धीरे धीरे निरोगी होने लगे, कैसे धीरे धीरे बीमारियों से मुक्त होने लगे। ये आपको अनुभव में आएगा। दरअसल क्या होता है, जब हम टेंशन में स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी सांसें छोटी हो जाती है, स्वेलो हो जाती है, अनियमित हो जाती है, उनमें लयबद्धता नहीं होती। जैसे ही ये रिदम बिगड़ा और बीमारियां हमला करने लगती हैं, अगर हम सांसों के रिदम को बनाए रखें, लय को बनाए रखें, उससे क्या फायदा होगा? तो स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। संगीत हमें पता है क्यों पसंद आता है, तो उसमें एक रिदम रहता है, लय रहती है, एक निश्चित उतार चढ़ाव ठहराव रहते हैं, उनके रिपीटेशन होते हैं, तभी आपको पसंद आता है ना। जैसे हम बोलते ना हो, एक बार रिपीट किया, हो फिर रिपीट किया, हो लय, ये लय आपको पकड़ते हैं, रिदम पकड़ता है। जहां जहां जिंदगी में रिदम होगा वही वही आनंद होगा। रिदम लय तालमेल, तो अगर हम इस सांसों के लय को बना लें, तालमेल को कायम रखें, बरकरार रखें, तो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब गायब, बहुत सारी बीमारियां गायब, लाइफ अपने आप बैलेंस होने लगी, अपने आप बैलेंस होने लगी। जब माइंड और बॉडी बैलेंस में रहते हैं तो क्या होता है, सोल के साथ अलाइनमेंट उनका होने लगता है, और जैसे माइंड बॉडी और सोल एक ही अलाइनमेंट में आने लगते हैं तो जीवन अपने आप कंप्लीटली बदलने लगता है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से। अब हमें करना क्या है, एकदम सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब यकीन मानो जिंदगी का ज्ञान है बहुत ज़्यादा आसान, कॉम्प्लिकेटेड तो जरा भी नहीं है। इसे कॉम्प्लिकेटेड गजा नहीं क्यों लोगों ने बना दिया, मेरी तो समझ में नहीं आता। मैंने तो इसकी जितनी रिसर्च करी लाइफ में तो मुझे यही पता चला कि नॉलेज बहुत ही सिंपल थी। अब कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जब जैसे कुर्सी पर बैठे हैं, बस में ट्रैवल करके जा रहे हैं, ट्रेन में कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, आप खाली बैठे हैं, तो आपको ब्रीथ लेनी है और छोड़नी है। तो कैसे लेनी और कैसे छोड़नी है, कि जब भी आप ब्रीथ लो तो आपका पेट फूलना चाहिए, यानी पूरी आपको एब्डोमेन ब्रीद करनी है, यानी कि सांस खींची तो इस तरह से खींची, देखो कोई ज़्यादा फोर्स क्रिएट नहीं करना है, लगे अपना, ये सब नहीं करना, या काउंटिंग करके ब्रीद खींच रहे हैं, फिर उसको होल्ड कर रहे हैं, फिर एक्सहेल कर रहे हैं, ये भी नहीं करना है। ऐसा कितनी देर करोगे, कुछ नहीं, आप उसे इतनी आदत डालनी से हैबिट बनाना है, बस सिंपली सांस लेना है, बिना किसी स्ट्रेस के स्माइल देते हुए ब्रीद दिया, तो ब्रीद दिया तो क्या हो गया, पेट फूला, और फिर क्या गया, धीरे धीरे सहजता से नाक से छोड़ दिया। देखिए मुझे ऑब्जर्व करना है ना, आपको पता भी नहीं चल रहा कि ब्रीद इनहेल और एक्सहेल करो, या कोई एक्सरसाइज करो, सिर्फ 10 सेकंड के लिए वॉश करो, इससे को क्या फायदा होगा, आपका ब्रीथ पर फोकस हो जाएगा, मेडिटेशन की भी बेनिफिट मिलेगी, पूरे फायदे मिलेंगे मेडिटेशन, और आपकी ब्रीथ बैलेंस होने लगेगी, आपकी बीमारियां बैलेंस होने लगेंगी। तो इसे करके जरूर देखना आप, इस एक्सरसाइज को थोड़े ही दिनों में आप बोलोगे अरे वाह, लाइफ ही बैलेंस हो गई, बीमारियां भागने लगी। सिर्फ 2-4, 10-15 दिन करोगे। ये वीडियो बंद होने के बाद आप क्या करना, कि इसको एक 4-5 रिपीटेशन करके देखना, या 8-10 रिपीटेशन करके देखना, और फिर मुझे बताना और वीडियो पर कमेंट करना। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।